और पिता पुत्री के सिर पर टूट पड़ा, मौके पर मौत। वाराणसी नगर में उस समय सहम सा गया जब आफत की विद्युत बिजली पिता पुत्री के सिर पर गिर पड़ी। वाराणसी वार्ड क्रमांक 7 कटंगी रोड में 21 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:30 बजे बिजली के खंभे में स्पार्किंग के बाद मौत का तार टूट पड़ा। चपेट में आने से आंगन में बैठे पिता पुत्री की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में खड़कम सी मच गई। आनन फानन में विद्युत लाइन बंद कर दी गई। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। विद्युत विभाग की इस घोर लापरवाही के चलते एक परिवार के पिता पुत्री की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू टेकाम 40 वर्ष अपनी 6 वर्षीय पुत्री पलक टेकाम के साथ घर के आंगन में बैठा हुआ था, जहां से गुजरी 11 केवी लाइन के बिजली खंभे के तार में स्पार्किंग हुई और तार टूटकर गिर गई। इस घटना में दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वाराणसी से सुधीर शर्मा। भैया मेरे मोहल्ले की घटना, जो लड़का है जिसका मैंने पूरा बचपना देखा हूँ, वो अपने घर के सामने बैठा था और हुआ ये कि जो बड़ी लाइन थी हैवी टेंशन लाइन का, जो तार है अचानक टूट के गिर गया उसके ऊपर में और अपनी बच्ची को लेके बैठा हुआ था। क्या नाम थे उनके? राजू टेकाम और उसकी बेटी थी पलक टेकाम। तो ये पूरी इस तरह की घटना यहाँ पे एक दो बार पहले हो चुकी कहते तार गिरने की? एक बार पहले हो चुकी है। हो चुकी है? उस राजू टेकाम के भाई के ऊपर तार गिरा था, बच गया था जिसमें। भाई के ऊपर? भाई के ऊपर तार गिरा था। तो क्या विद्युत विभाग का कुछ लापरवाही समझ में आ रहा है? पूरी विद्युत विभाग की है। कैसे मिलरों को डायरेक्ट बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और जहाँ से तार लेके जाना चाहिए वहाँ नहीं लेकर मेन रोड से लेके गए सारे तार, और केबल भी थर्ड क्लास कैटेगरी का केबल उनने लगाया उसमें, जो हल्का सा इंसुलेटर फॉल्ट होने की वजह से वो जल के। सर ये घटना किस तरह हुई, क्या लगता है आपको? ये हमारे 11 केवी लाइन फॉल्ट होने से तो इंसुलेटर बस्ट हुआ, इंसुलेटर बस्ट होने के कारण कंडक्टर स्नेप हुआ तो वो LT लाइन पे इनके प्रीमाइसेस में गिरे। ये यहीं पे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर जो LT का जो न्यूट्रल है वो तार गिरा, उससे वो करंट के चपेट रहा है। सर इस तरह की घटना यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति होती, कहते तार कई बार टूट चुका है पूर्व में, कहते हैं लोग? नहीं, उसके लिए हम जैसे यहाँ का अरेंजमेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक गार्डिंग करवा देंगे ताकि वो तार नीचे ना। एक तरह से दुर्घटना है कि 11 के तार गिरने से हमारे राजू टेकाम जी और पुत्री का उसमें करंट के कारण उनका निधन हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दुर्घटना को देखते हुए हमारे SDM साहब, हमारे तहसीलदार, हमारे MP सभी को मैंने यहाँ पर बुलाया अभी, और बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरा परिवार में पत्नी है, दो पुत्र, एक पुत्री बची है, तो इसमें सरकार की तरफ से मुआवजा राशि होती है तो दोनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि उनके बैंक के खाते में डलेगा उनके, और इसके अलावा नगर पालिका की तरफ से 5,000 रुपये की अंत्येष्टि राशि होती है, वो राशि भी इनको प्रदान की गई है। और उसके अलावा जो अंत्येष्टि में जो राशि लगेगी या मोहल्ले वालों से चर्चा किया मैंने, उनके 3 रुपये जो भी राशि लगेगी वो मेरी ओर से भी उनको 10,000 रुपये की राशि उनके परिवार को दी जाएगी, जिससे उनके 3 रुपये वगैरह भी हो सके। तो चूँकि दुर्घटना है इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूँकि ये सार्वजनिक आने जाने का रास्ता मोसाधाम का, तो ऐसे दुर्घटना दोबारा ना हो तो इसके लिए हमने DE को निर्देश किया है कि इसकी 11 KV की तार जो ऊपर से गया हुआ है इसको दूसरी जगह से उसको शिफ्ट किया जाए, ताकि कल को कुछ दुर्घटनाएं होती है या तार गिरे भी तो जन हानि किसी को ना हो, ऐसा निर्देश हमने SDM साहब ने भी दिया, मैंने भी दिया है, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो बहुत जल्दी ये तार को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर कभी 200-300 लोग, 400 लोग, 500 लोग रहते हैं, तो ऐसी भीड़ में कोई दुर्घटना ना हो पाए।